बहुत कैजुअल थी, मतलब कोई डे का जैसा रहता है वैसा। लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ रहा था, क्योंकि उसमें क्या हुआ, हाफ एन आवर में ऐसा पानी एकदम ऊपर आ रहा था, मतलब जो हमने सोचा ही नहीं कि ऐसा कैसा हो सकता है। जब तक हम मेन रोड तक आए तो पानी नी डीप हो चुका था, तो इसलिए सबने सोचा कि भाई इतना पानी है, डर लग रहा है साइड में कहीं गटर वगैरह होगी, कुछ होगा। तो बीच में डिवाइडर होता है, तो हमने सोचा चलो डिवाइडर के वहाँ चलेंगे तो सेफ रहेंगे करके हम लोग डिवाइडर तक आए। लेकिन अभी आए ही थे और 10 कदम चले और बहुत ज़ोरों से पानी आना शुरू हो गया सामने से। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक के जो बूथ होते हैं, हमने पकड़ लिया, अभी मैंने पकड़ा, मेरे साथ और 5-6 जन थे, उन्होंने पकड़ा। और हम लोग सोचे कि चलो ये पकड़ के रुक रहे, थोड़ा पानी कम होगा तो फिर चले चलेंगे। लेकिन लोग आ रहे हैं और सब एक दूसरे को पकड़ रहे, तो हम लोग 9-10-12 लोग हो गए थे इतने। अभी तो बराबर याद नहीं है क्योंकि हम तो सबसे आगे पकड़ के खड़े थे। फिर पानी आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, कुछ 4:30-5 के करीब हुआ होगा। तो हम लोग खड़े हैं, बोला ठीक है चलो होगा होगा होगा, रुके, रास्ता देखा कि भाई चलो पानी कम हो, लेकिन पानी तो बढ़ते ही जा रहा है, फोर्स हो रहा है। फिर पानी एकदम छाती तक आ गया, सीधा पेट से छाती तक एकदम बढ़ गया। फिर भी डर रहे हैं लेकिन रुके हुए हैं, अभी अपने पास तो और कोई चारा नहीं है। मैं इनफैक्ट मैं बस में भी चढ़ा और बस में भी अचानक पानी आने लगा, और मैं जैसा बोल रहा था कि बस के लोग भी बहुत चिल्ला रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, लेकिन फिर बारिश का जैसा आवाज़ बढ़ गया या पानी बढ़ गया ना उसके अंदर के, तो लोगों का मुँह मतलब एकदम शांत हो गए। मतलब मेरे को भी लगा कि ये बहुत सीरियसनेस है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बस में पूरी तरह से पानी घुस गया है और सब एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर किसी ने दुपट्टा दिया, किसी ने अपना बेल्ट लगाया, सब लगा के हम लोग सब पकड़ पकड़ के सब खड़े हैं। और वैसे करते 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 पानी आ रहा है, कचरे जा रहे हैं, बॉडी एक गई, तो जो अचानक से वो फेस दिख गया सामने, तो जो सब लोग डर गए, जो हम लोग सब चिल्लाने लग गए, ऐसा लगा जैसे हम लोग बच्चे हो गए, इतना इतना डर गए थे, इतना घबरा गए थे, और कोई बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, होगा क्या, आगे क्या होगा, अभी क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा। उनको जब मैंने पानी में से बाहर निकाला, एक जगह पे फर्स्ट फ्लोर पे लेके गए, उनको पता था ये बंदे ने मेरा जान बचाया, तो उसने मेरे को एक हग दिया था। वो ऐसा लगा कि बस लाइफ में कुछ अच्छा काम कर दिया हमने, और दिस वॉज द इंस्पिरेशन टू ये आगे का काम करने के लिए वो सहा था एक्चुअली। वहाँ पे एक बाजू में बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग के 2-3 बच्चों ने, यंग लड़के थे, 25-27 साल जैसे होंगे, उन्होंने एक गाड़ी थी जिसके ऊपर जो सामान रखने का होता है वो था, उसके ऊपर उन लोग चढ़े और कुछ साड़ियाँ लेके आए थे सब अपने घरों से, उनको बांध बांध के उन्होंने फेंका। अभी फेंक के हमारे तक आते आते काफ़ी टाइम, हम कब से कब 10-15 बार कोशिश किया होगा, फिर कहीं जाके एक बार साड़ी हमारे पास आई, फिर हमने उसको बांधा वहाँ पोल के साथ, बांध तो दिया कि चलो उसको पकड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो जो इमेजिनेशन होता है और जो रियलिटी जब सामने आई कि अरे जाएगा नहीं, नहीं कर पाए, किसी की डेयरिंग नहीं हो रही है कि भाई इसको कोशिश करे कि चलो लेट्स क्रॉस एंड रीच द बिल्डिंग। जब लाइट चली गई और अंधेरा हो गया ना, तो ये काम और भयानक हो गया। और लिटरली क्या हो रहा था कि वो बाजू के जो व्हीकल्स है वो ऐसा उल्टा होने के जैसा हो जाते थे, बीच में ही बस को ऐसा हवा में जैसा बोट के जैसा तरंग रही, तो वो लोग भी चिल्ला रहे थे फिर वहाँ से कि अरे बचाओ बचाओ, क्योंकि वो बस हिल रही थी जहाँ पे मैं भी था। अभी मुँह पे हंसी आ रही है, लेकिन उस वक्त की जो परिस्थिति थी वो आज भी अगर याद करो तो पसीने छूट जाते हैं, डर लगता है, छाती भर आती है कि क्या हो गया। बस की बस तक रस्सी बांधी गई है, और वो बांधने में कम से कम 1.5-2 घंटे की मशक्कत हो गई, क्योंकि बीच में से पानी बहुत ज़ोर से बह रहा था कि ऐसे रस्सी निकाली और हम वहाँ पे बांध नहीं सकते थे, क्योंकि गटर का पानी था, ऊपर से बीच में भी बहुत सारे ऑप्टिकल्स थे। वो भी पता चला हमको कि नेक्स्ट दिन हमने जब देखा सुबह, तो वहाँ पे गार्डन था, तो वो लोखंड के पिलर वगैरह जो बीच में बच्चों के रहते थे ना, तो रात भर वो जब हम खुद ही मारते थे तो बीच में कुछ ना कुछ तो अटकता था या लोखंड लगता था कहीं ना कहीं, तो वो सब बच के हमने कम से कम 1.5-2 घंटा लगाया वो रस्सी बांधने के लिए। और रस्सी बांधने के बाद में मुझे लगा अभी हो गया, यानी वहाँ तक काम हमारा ख़त्म हो गया, क्योंकि उसको तो पकड़ के आना था।
लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद में तो वो लोग ने हमको बहुत, मतलब मैं गया पहले ही बंदा था कि जो बस पे पहुँचा, लेकिन उन्होंने और सर्कस में डाल दिया। उन्होंने बोला कि हम नहीं जा सकते, हमको तो डर लगता है, तो हम में से कोई एक बच्चा जिंदा जाएगा तभी हम वो रस्सी से उधर तक जाएंगे, भरोसा चाहिए। फिर मैंने उसमें से एक यंग लड़का था और उसको बोला, बॉस तुझे ये काम करना पड़ेगा और मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। तो ये ऐसा हो गया कि डेमोन्स्ट्रेशन का, और हम इतने थक गए थे कि मेरे को खड़ा रहने के लिए भी नहीं हो रहा था, क्योंकि 4-5 घंटे से मैं स्विम कर रहा था। और उनको थोड़ा माइंड ठंडा रख के उनको समझा के ये काम करना था, क्योंकि वो अगर मतलब मैंने ऐसा बोल सकता हूँ कि मरते टाइम लोग क्या करते हैं ना, वो एक्सपीरियंस बहुत भयानक है। तो उनको तो इतना फियर था कि ये इससे जाएंगे कैसे, हम नहीं जा सकते क्योंकि हम बूढ़े हैं या जो भी है। फिर वो बच्चे को तैयार किया, हौसला दिया कि बस तू जा सकता है, और तू गया तो ये लोग बच जाएंगे। फिर वो बंदे ने कोशिश किया और फिर मैं पीछे वहाँ तक स्विमिंग करके जाना, मतलब जो 20 फुट और वो करंट हुआ वह पानी में से जाना, यानी इतना आसान नहीं था। और फिर एक एक करके वो लोगों को लेके गए, और हमने एक भी बंदा वहाँ पे, मतलब जो भी बूढ़े लोग थे उनको भी हम सपोर्ट करके, मेरे साथ में और भी 2-3 लोग थे जिन्होंने वो हेल्प किया। ईस्ट में भीमानगर मेरे घर तक कैसे आया मुझे नहीं पता है, आ गया, घर पे आया, घर पे आके सबसे पहला सवाल, बच्चा कैसा है, बाकी लोग कैसे हैं? तो बोले नहीं सब ठीक है, बेटा भी घर पे आ गया है, कोई फिक्र नहीं। फिर मुझे पता चला कि मैं वापस अतुल वैद्य हूँ, तब तक मैं सब कुछ भूल चुका था। तो ये जो हुआ बहुत हॉरिबल केस था, बहुत गलत हुआ था, लेकिन ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ सीखना होता है। चलो सब लोग लकी नहीं है, सब पॉजिटिव ये लिया कि दूसरा हैप्पी बर्थडे हो गया हमारा। वो रामकृष्ण फैमिली थी, तो उन्होंने क्या किया था, शुरुआत में तो घर एक तो दिख रहा था, मैंने बोला कि वो उनका घर था, उन्होंने घर दे दिया उन्होंने। और मुझे लगा कि यार एक ऐसा कैसा हो सकता कोई बंदा घर खुला करे, यानी बहुत सारे लोग थे, 1-2-4 लोग नहीं थे, 100-150 लोग थे, और घर दिया वहाँ तक नहीं, उन्होंने घर के सब सामान दे दिए, जो जो हम मांग रहे थे वो सब चीज़ें दे दी, मतलब सपोर्ट यानी बहुत नेक्स्ट लेवल पे था। गवर्नमेंट ने उनको बहुत बड़ी रकम, एक अमाउंट उनको दे दिया था कि एक ऑनरेबल अमाउंट कि आपने ये काम किया है। तो लेकिन अब देखो ये फैमिली ने इतना देने के बावजूद भी वो अमाउंट भी वो जो बचाने वाले लोग थे 5-6 लोग थे उनको वो डिस्ट्रीब्यूट की, उन्होंने बोले ये हम अवार्ड नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये जो बच्चे खुद ही मार रहे थे, बार बार पानी में जा रहे थे, तो हमको लगता था कि वापस नहीं आएंगे, तो इन्होंने तो पूरा जान दे दिया है।